अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मसल्स ऑफ़ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म देखेंगे। मसल्स ऑफ़ द इंटीरियर कंपार्टमेंट में पाए जाने वाले मसल्स कोरेको ब्रिकियालिस, बाइसेप ब्रिकियाई और ब्रिकियालिस शामिल हैं, जबकि मसल्स ऑफ़ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में पाए जाने वाले मसल्स ट्राइसेप ब्रिकियाई और एनकोनियस मसल शामिल हैं। तो सबसे पहले हम मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म देख लेते हैं। मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में कोरेको ब्रिकियालिस, कोरेको ब्रिकियालिस जैसे कि हम जानते हैं कि ये टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ये इंसर्ट कर रहा होता है मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस पे। ओरिजिनेट टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से और ये मिडल में 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस पे जाकर ये इंसर्ट कर रहा होता है। अच्छा, तो अब ये टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई के हवाले से बात है कि जिसमें बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड का टेंडन वो अंडरगोस ट्विस्टिंग इन अ वे दैट एंटीरियर सरफेस बिकम्स लैटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस बिकम्स मीडियल। जहाँ तक बात है नर्व सप्लाई की, तो कोरेको ब्रिकियालिस को मस्कुलोकुटेनियस नर्व इनर्वेट कर रही होती है जिसकी रूट वैल्यू C5, C6 और C7 होती है। एक्शन के हवाले से मैं आपको ये बात बताऊं कि ये फ्लेक्स करता है आर्म को एट द शोल्डर जॉइंट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बाइसेप ब्रेकियाई की। तो बाइसेप ब्रेकियाई हमें मालूम है कि इसके दो हेड्स होते हैं, एक शॉर्ट हेड और दूसरा लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा होता है जिस तरीके से कोरेको ब्रिकियालिस ओरिजिनेट करता है, इसी तरीके से ये भी टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रहा होता है। इसका जो लॉन्ग हेड है ये बाइसेपिटल ग्रूव से होता हुआ और सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ये जाके ओरिजिनेट कर रहा होता है। सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल हमें मालूम है कि एक राउंडेड सा बोनी प्रोजेक्शन होता है जो ग्लिनॉइड कैविटी से ऊपर पाया जाता है। और अगर हम लॉन्ग हेड जो बाइसेप ब्रिकियाई का है, टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रिकियाई, ये इंट्रा कैप्सुलर होता है, कैप्सूल के अंदर ये पाया जाता है और सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंसर्शन की। तो इंसर्शन पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल टिब्रोसिटी से ये इंसर्ट कर रहा होता है, चूंकि एंटीरियर पार्ट रेडियल टिब्रोसिटी का बर्सा से कवर होता है। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर ये टेंडन देख रहे हैं, द टेंडन गिव्स ऑफ एन एक्सटेंशन कॉल्ड द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ये फ्लैटेंड शीट की सूरत में तब्दील हो जाता है ये टेंडन, और फिर एपोन्यूरोसिस विच एक्सटेंड टू द अल्ना एंड इट सेपरेट्स मीडियन क्यूबिटल वेन फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। मीडियल क्यूबिटल वेन को ये ब्रेकियल आर्टरी से अलग कर देता है, ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस कहलाता है। अब जहां तक इसकी बात है इनर्वेशन की, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है और उसकी रूट वैल्यू C5 और C6 है जो इसे इनर्वेट कर रही होती है। इसके एक्शन पे बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है व्हेन फोर आर्म इज फ्लेक्स्ड। जब आप फोर आर्म को फ्लेक्स्ड करते हैं और सुपिनेशन में ये स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर का रोल परफॉर्म कर रहा होता है। फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो है ये, शॉर्ट हेड फ्लेक्सर ऑफ द आर्म है, लॉन्ग हेड प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये जो लॉन्ग हेड है ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट को भी रोकता है, ऊपर जाने से रोकता है इस ह्यूमरस को ताकि वो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ इन प्लेस रहे। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिकियालिस की। ब्रिकियालिस मसल, हम ये मसल देख रहे हैं जो कि हमें एंटीरियरली दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनेट करता है फ्रंट लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस जिसमें कि इंक्लूडिंग बोथ एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लैटरल और एंटीरियर, ये एंटीरियो मीडियल और एंटीरियो लैटरल सरफेसेस को कवर करता है और एंटीरियर बॉर्डर को भी ये कवर करता है, ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। उसके बाद अगर इंसर्शन को देखें तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है और इसके अलावा ये अल्नर टिब्रोसिटी,
अनलर्टिब्रोसिटी पर जाके इंसर्ट करता है, और कोरोनॉइड प्रोसेस और अनलर्टिब्रोसिटी इन दोनों पर जाके इंसर्ट कर रहा होता है। जहाँ तक बात है इसकी इनर्वेशन की, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व इसे इनर्वेट कर रही होती है फॉर मोटर फंक्शनिंग, ताकि ये मूवमेंट परफॉर्म कर सके, और रेडियल नर्व है जो कि इसको सेंसरी परसेप्शन देती है, प्रोप्राइसेप्टिव काम सरंजाम देती है। तो रेडियल नर्व इसे सेंसरी परसेप्शन दे रही होती है और मस्कुलोकुटेनियस नर्व इसे मोटर सप्लाई दे रही होती है। एक्शन की जहाँ तक बात करें तो ये फ्लेक्सेस द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट पर ये फोर आर्म को फ्लेक्स करता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल्स में ट्राइसेप ब्रेकियाई और एनकोनियस शामिल थे। तो ट्राइसेप ब्रेकियाई हमें मालूम है कि इसके तीन हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड और लेटरल हेड। लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा होता है। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला हमें मालूम है कि ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे की जानेब एक राउंडेड बोनी प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे हम इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। तो ये वहां से लॉन्ग हेड ओरिजिनेट कर रहा होता है। मीडियल हेड इसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट करता है, डिस्टल टू द रेडियल ग्रूव एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। लेटरल हेड इसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस प्रॉक्सिमल टू द रेडियल ग्रूव एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से ओरिजिनेट करता है। इंसर्शन की अगर बात की जाए तो हमें मालूम है कि ये ओलिक्रोनॉन ऑफ द अल्ना पे जाके इंसर्ट कर रहा होता है, ओलिक्रोनॉन ऑफ द अल्ना। एक्शन हम जानते हैं कि एल्बो जॉइंट की ये एक्सटेंशन करवाता है, शोल्डर जॉइंट की ये बैकवर्ड मूवमेंट और एबडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और इसका लॉन्ग हेड ये बैकवर्ड मूवमेंट और इसके अलावा एबडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इनर्वेशन की जहाँ तक बात है तो ये इस रेडियल नर्व जो इसे इनर्वेट कर रही होती है, उसकी रूट वैल्यू C6, C7 और C8 इसकी रूट वैल्यू होती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पाया जाने वाला दूसरा और आखिरी मसल एनकोनियस, एनकोनियस बेसिकली एल्बो को कहते हैं, एनकोनियस एल्बो को कहते हैं, और ये एल्बो में मसल पाया जाता है। अगर इस मसल को देखें तो ये ओरिजिनेट करता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, कुछ केसेस में ये पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल से भी ओरिजिनेट कर रहा होता है, जो कि यहाँ पाया जाता है जॉइंट कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट, तो ये वहाँ से भी ओरिजिनेट करता है, और इसकी इंसर्शन होती है ओलिक्रोनॉन ऑफ द अल्ना, जो रेडियल सरफेस है, रेडियल साइड पे रेडियस की तरफ जो सरफेस पाई जाती है उसे रेडियल सरफेस कहते हैं, तो ये वहाँ पर जाके इंसर्ट कर रहा होता है। इसका जो एक्शन है ये एक्सटेंड द एल्बो, ये एल्बो की एक्सटेंशन में हेल्प करता है, और साथ में टाइटनिंग इट्स जॉइंट कैप्सूल, और एल्बो जॉइंट के जॉइंट कैप्सूल को टाइट रखने का भी ये काम सरंजाम दे रहा होता है। जहाँ तक बात है इसकी इनर्वेशन की, तो रेडियल नर्व है जो इसे इनर्वेट कर रही होती है, और उसकी रूट वैल्यू C6, C7 और C8 इसकी रूट वैल्यू होती है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।